देखो हमारे लिए सिस्टम क्या होता है, हमारे लिए सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक सिलेंडर, उस सिलेंडर के ऊपर क्या होता है सिस्टम, पिस्टन, यही हमारे लिए सिस्टम है। सबको नजर आता है, क्लियर हो गया? इस सिस्टम के ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, इसको PEXP बोल देता हूँ। नीचे से प्रेशर लग रहा है जो गैस की वजह से, अंदर जो गैस भरी हुई है। क्लियर हो गया? ये इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने V1। क्लियर हो गया? अब मैं चाहता हूं इस ये पिस्टन जो है V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक आ जाए, फाइनल वॉल्यूम V2 तक आ जाए, इतना ही वॉल्यूम रह जाए। सबको समझ में आ गया? पहले वॉल्यूम कितना था V1, बाद में कितना हो गया V2, तो वर्क करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। और इस वर्क को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हो ऊपर से। अब ये कंप्रेशन दो तरह से पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है याद करो, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली करना है तो बड़ा सिंपल सा है, यहां पर क्या करो, एक वेट रख दो तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो वो तो हो गया इरिवर्सिबली। और एक बार इसको रिवर्सिबली करना चाहते हो तो धीरे धीरे आए, उसका अरेंजमेंट करो। कैसे करोगे आप, इस तरह से क्या करो, एक तो ऐसा अरेंजमेंट बनाओ जिसमें धीरे धीरे करके यहां पर क्या हो, कोई वेट गिरता जाए तो धीरे धीरे करके नीचे आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां तक पहुंच जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना कंपैरिजन करना है कि जब मैंने यहां से यहां वॉल्यूम को घटाया, वॉल्यूम घट गया ना यहां पे, जब मैंने कंप्रेशन करवाया तो दोनों तरह से जो वर्क हुआ, वर्क रिवर्सिबली और वर्क इरिवर्सिबली, क्या ये दोनों वर्क बराबर आते हैं? क्लियर हो गया? ये हमें प्रूफ करना है, या अलग अलग आते हैं? तो अलग अलग आते हैं तो किसका वर्क ज्यादा आता है, किसका कम आता है, हिसाब से जरा ध्यान से देखो। रिवर्सिबली करो चाहे इरिवर्सिबली, वॉल्यूम तो उतना ही डिक्रीज हुआ, तो वर्क डन बराबर होना चाहिए ना, चाहे रिवर्सिबली करो चाहे इरिवर्सिबली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हमें क्या होता है जरा मैं पहले क्लियर कर देता हूं, रिवर्सिबली जो वर्क डन होता है वो इरिवर्सिबल वर्क डन से हमेशा कम आता है, और ये हमें प्रूव करना है। ये कैसे हो गया कि काम तो दोनों ने सेम ही किया, वॉल्यूम कितना घटा V1 से V2, इस काम को आपने दो तरीके से करवाया, एक तो रिवर्सिबली एक इरिवर्सिबली। तो रिवर्सिबली जितना काम हुआ है बेसिकली वो इरिवर्सिबल जो वर्क हुआ है उससे हमेशा कम आता है, और वो देखना हमें कि कैसे। समझ में आ गया सबको? वही कंपैरिजन करना है। और आप लोग याद करो, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस ले लेते हैं हम लोग, आइसोथर्मल के लिए मैंने प्रूव करवा चुका हम लोगों के लिए। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है तो वर्क डन कितना आया था याद करो, माइनस पी एक्सटर्नल, याद है, और साथ में डेल पी मतलब V2 माइनस V1। ये तो किया। इरिवर्सिबल में क्या करोगे, अचानक से एक बार रख दोगे, वेट रख दोगे इसके ऊपर, वो नीचे आ जाएगा, तो V2 माइनस V1 जो भी आएगा, V2 V1 से छोटा है तो माइनस, ऐसे साइन आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। आप लोग याद करो जब भी कंप्रेशन कराते तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। सबको समझ में आ गया? और अगर ये आपने वर्क डन रिवर्सिबली करवाया, पहले तो कैसा था इरिवर्सिबल, और अगर आपने रिवर्सिबली करवाया आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उस टाइम पे जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ बेस 10 V2 / V1। ध्यान पड़ा? तो दोनों तो अलग अलग है, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूले से, लेकिन सवाल है कि कौन ज्यादा कौन कम। बात समझ में आ गया? तो पहली चीज तो ये तय हो गई कि सेम ही काम अगर हम रिवर्सिबली कराएं और इरिवर्सिबल कराएं तो वर्क डन अलग अलग होता है, लेकिन कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है वही हमें कंपैरिजन करना है। बात सबको समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस पूरे स्टेप को इरिवर्सिबली करा रहा हूं। इरिवर्सिबली को हम लोग कह सकते हैं सिंगल स्टेप में करवा दूं, सिंगल स्टेप में एक ही बार में नीचे आ जाएगा, होता है एक ही बार में अगर नीचे आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। मैं कह सकता हूं ना, दैट इज इरिवर्सिबल। इसको एक नया नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वासी प्रोसेस, क्वासी QUASI, क्वासी प्रोसेस भी कहते हैं। तो ऐसा नाम देखने को मिल जाए तो घबराना मत, क्वासी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन क्वासी प्रोसेस, ठीक है, नॉन क्वासी मतलब इरिवर्सिबल। तो क्वासी कौन सा होता है, रिवर्सिबल। सबको समझ में आ गया? क्वासी का मतलब क्या होता है, नॉट टू बी ट्रू, मतलब दिख तो रहा है काम हो रहा है, ये काम हो तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, उसको क्वासी बोलते हैं। अब इंग्लिश में वर्ड पकड़ना, क्वासी का मतलब क्या होता है, हो तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। क्लियर हो गया? तो ये नॉन क्वासी प्रोसेस होता है, नॉन क्वासी का मतलब इरिवर्सिबल और सिंगल स्टेप प्रोसेस। दोबारा समझा देता हूं, देखो जरा ध्यान से, हम सबसे पहले इस स्टेप को, ये जो काम है उसको सिंगल स्टेप में करते हैं।
सिंगल स्टेप में करने का मतलब ये इरिवर्सिबल होगा क्योंकि एक ही स्टेप में करेंगे। समझ में आ गया? B2 से B1। और इसको हम नॉन क्वासी प्रोसेस भी कहते हैं। ये क्वासी क्या टर्म है? क्वासी बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस को कहते हैं। ये नॉन क्वासी प्रोसेस है। क्वासी का मतलब होता है नॉट टू बी ट्रू। नॉट टू बी ट्रू का मतलब क्या है? काम तो हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसको क्वासी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ काम होएगा लेकिन दिखेगा, तो मैं अचानक से वेट रखोगे तो तुरंत नीचे आएगा, दिखेगा ना काम होता हुआ, तो ये नॉन क्वासी प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया सबको? अब जरा ध्यान से यहाँ देखो, अगर ये सिंगल स्टेप में हुआ तो होगा कैसे? सबसे पहले देखो यहाँ जरा ध्यान से, अगर ये सिंगल स्टेप में करवाना है तो मान लो आपने यहाँ पर एम वेट का क्या रख दिया, यहाँ पर एक बार रख दिए वेट रख दिया। जैसे तुमने रखा तो ओवरऑल टोटल प्रेशर कितना पड़ा इसके ऊपर देखो, इस पे टोटल प्रेशर, ये पी एक्सटर्नल तो पहले से ही था, तुमने एम बार रख के और प्रेशर लगा दिया इसके ऊपर। क्लियर हो गया? तो पी, अब टोटल जो प्रेशर है उसको पी टू मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? पी टू। वो किस किसके बराबर होगा? पहले से इसके ऊपर पी वन लग रहा है, समझ में आ गया? प्लस आपने क्या किया, ये एम टाइप का मास रख दिया। प्रेशर क्या होता है बच्चों? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। सबको समझ में आता है? और यहाँ पर ग्रेविटेशन को एक्सेलरेशन कह सकते हो, ऊपर से नीचे जा रहा है। क्लियर हो गया? जी लगा दिया, एम जी बाई एरिया, पिस्टन का एरिया ले लिया, इसको पी टू मान लिया। क्लियर हो गया? और ऑब्वियसली यहाँ से सबको समझ में आता होगा कि पी टू पी वन से ज्यादा होगा। जो पहले पी वन लगा हुआ है यहाँ पर, पी एक्सटर्नल को पी वन कह दिया, ऑब्वियसली पहले पी वन लगा हुआ है, और टोटल जो पी टू होगा, पी टू किसके बराबर है? पी वन प्लस दिस, ये तो उससे पी वन से ज्यादा ही होगा ना। सबको समझ में आ गया? तो ओवरऑल एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे पास लग रहा है पी टू, इसी को पी एक्सटर्नल बोला हमने। सबको समझ में आ गया? ये हमारे लिए पी एक्सटर्नल है, इस पर वो पी टू के बराबर है। वो किस किसके बराबर होगा? पी वन तो पहले से लग रहा है, इस मास की वजह से ये प्रेशर और लग गया, और ऑब्वियसली ये जो पी टू होगा या पी एक्सटर्नल होगा वो पहले वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। सबको समझ में आ गया? और ये जो प्रेशर लगा है इसकी वजह से आपका पिस्टन वी वन से कहां चला गया? वी टू पे। और हमें यहाँ मालूम है कि V2 क्या है? लेस देन है इससे P1 से। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब यहाँ बोल्टन निकालता हूँ। बोल्टन कितना होगा? बोल्टन कैसे निकालते हैं याद करो, माइनस P एक्सटर्नल और साथ में डेल्टा V। सबको समझ में आ गया? एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है इस बार? P2। और डेल्टा V कितना है? V2 माइनस V1। अब जरा ध्यान से देखो, W की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस P एक्सटर्नल V2 minus V1। अब मैं आगे आपसे ये कहता हूँ, तुमने वर्क डन निकालना सीखा था ग्राफिकली भी, याद करो निकालना सीखा था, तो तुम ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वर्क डन ये निकल गया है। उल्टा काम करना, पहले मैं ग्राफ देता था तो वर्क डन निकालना होता था। अब मैं तुमसे सिंपल सी बात बोलता हूँ, ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वर्क डन ये निकल गया है। ठीक है, बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखो, ये निकल के आना चाहिए। कैसे निकल के आएगा? जरा ध्यान से दिमाग लगाओ। देखो सबसे पहले तो ग्राफ क्या होगा? वो पीवी ग्राफ होगा। सबको समझ में आता है? पीवी ग्राफ होगा। अच्छा जरा ध्यान से चेक करो। देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो वॉल्यूम पहले कितना था? V1। बाद में कितना हो गया? V2। ओ मैं पता है कि V2 V1 से छोटा है, इसलिए मैंने V2 पहले लिखा, V1 बाद में। अकल लगाओ, ये देखो दिखाई दे रहा है, पहले प्रेशर कितना था? P1। बाद में कितना हो गया? P2। सबको समझ में आता है? पहले P1 था, बाद में P2 हो गया। क्लियर हो गया सबको? अब इनके गैस के पॉइंट पकड़ो, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो प्रेशर कितना था टोटल? P1 के बराबर। वॉल्यूम कितना था? P1 के बराबर। इसका पॉइंट लगाएं ग्राफ के अंदर, जरा चेक करो, ये रहा P1, ये रहा V1। तो गैस जब उस पे प्रेशर आपने आपने वो बाट नहीं रखा था, वेट नहीं रखा था, तब वो जो गैस थी वो इस पॉइंट पर थी, इस पॉइंट पर उसका वॉल्यूम कितना था? V1। उस पे प्रेशर कितना था? P1। सबको नजर आ गया? क्लियर हो गया? अब जैसे ही आपने ये मास रख दिया तो प्रेशर कितना हो गया? P2। और उसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2। ये रहा V2 और ये रहा P2। समझ में आ गया? तो पॉइंट कैसा हो गया? यहां ये पॉइंट नंबर 2। क्लियर हो गया? अब ये तुम्हें दोनों पॉइंट मिल गए, ये तो उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब तुम्हें ऐसा ग्राफ यहां बना देना है कि वो जो ग्राफ बनाओगे उससे जो भी वर्क कैलकुलेट करोगे वो इसके बराबर है। समझ में आ गया? यहाँ पर P एक्सटर्नल क्या है बच्चों? तो W is equal to minus of P2, P एक्सटर्नल P2 है ना बेटा, ये लिखा हो। तो minus of P2 V2 minus V1, ये वर्क डन आ जाना चाहिए। क्या ग्राफ बनाओगे थोड़ा सोचो,
ग्राफ कैसा होना चाहिए? क्या दो पॉइंट मिल गए? ग्राफ कैसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये वक्र आ जाए? कैसा होगा? यहां पर प्रेशर क्या है? P2। अब जरा ध्यान से चेक करो, मैं ग्राफ बना रहा हूं। वो ग्राफ होगा ऐसा, देखना जरा ध्यान से। ये यहां से यहां तक, उसके बाद यहां, यहां से यहां तक, ये होगा ग्राफ। अब तुम चेक करो, ये कुछ मत देखो, तुम सिर्फ इतना बताओ कि अगर ये दिया हुआ है तुम्हें पीवी ग्राफ, बताओ इस पीवी ग्राफ के लिए वक्र कैसे निकालो। ये पीवी ग्राफ दिया है, इस पीवी ग्राफ के लिए वक्र कैसे निकालो? एरिया अंडर द कर्व, ये तो करोगे। अब वक्र ऐसे तो निकलेगा, अब एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, यहां से लेके यहां तक? हाइट मान लो, हाइट इनटू ब्रेथ कर लो, कैसे भी कर लो, यहां से लेके यहां तक क्या आ रही है? P2। P2 है ना, दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गया? यहां से लेके यहां तक P2, और इसकी ब्रेथ कितनी है? B1 - B2। दिखाई देता है? माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? B1 - B2। और हमने यहां क्या लिखा है? B2 - B1, तो माइनस का साइन बाहर आ गया। क्लियर हो गया? अगर ये ग्राफ होगा तो वर्क डन कितना आएगा? जो तुमने लिखा वही है, कितना है? B2 - B1। सबको समझ में आई क्या? तो तुम्हें ना सिर्फ ग्राफ देख के वर्क डन निकालना आना चाहिए, वर्क डन देख के तुम्हें ग्राफ भी बनाने आना चाहिए। समझ में आ गया? थोड़ा अकल लगाओ कि इसके लिए वो ग्राफ आ रहा है, जबकि पॉइंट कैसे आ रहे थे? पॉइंट ऐसे और ऐसे आ रहे थे। तो ग्राफ तो बहुत तरह से बनते थे, कई बच्चे बोलते थे स्ट्रेट लाइन दे दो, कई कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन इसका ग्राफ आएगा ऐसा अगर इसको वर्क डन किया है तो। सबको समझ में आ गया? ये सिंगल स्टेप के लिए हमारे पास नॉन क्वासी प्रोसेस के लिए क्या हो गया? वर्क डन हो गया। सबको क्लियर है? अब इसी स्टेप को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल स्टेप में करके देखेंगे। ये सिंगल स्टेप के लिए हो गया, ये किसके लिए हमारे पास? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ग्राफ आता ही है, और एरिया अंडर वर्क डन, एरिया अंडर कर्व हमारे लिए क्या होगा? वर्क डन। तो एरिया अंडर कर्व हमारे पास ये है। सबको नजर आ गया? अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग मल्टी स्टेप में करेंगे। ये था सिंगल स्टेप, तो इसको बनाओ फटाफट, इसको मल्टी स्टेप में करके दिखाता हूं। देखो, तो अब हम क्या कर रहे हैं? वही सेम काम डबल स्टेप में करवा के देखते हैं। सिंगल स्टेप वाला होता है इरिवर्सिबल, जिसको नॉन क्वासी बोलते हैं। अब डबल स्टेप दो स्टेप में करवाना है, हमें जाना V1 से V2 की तरफ ही है, लेकिन दो स्टेप में जाना है। तो देखो कैसे जाएंगे, थोड़ा सोचो। अब ये हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक सिलेंडर, हमारा पिस्टन वही है जहां पहले रखा था। कहां पे? V1 पोजीशन पे। हमें इसे यहां तक लेके आना है, कहां तक लाना है? V2 पोजीशन पे। समझ में आता है? ऊपर से प्रेशर लग रहा है कि एक्सटर्नल, जिसको P1 नाम दे देते हैं। नीचे से प्रेशर क्या लग रहा है? PO गैस। अब वही स्टेप, मतलब इसको यहां से यहां लाना है, लेकिन दो स्टेप में लाना है। तो दो स्टेप में लाना है, तो पहले क्या करूं? पहले मैं मास रखूं m/2, आधा मास रखूं, पहले m रखा था, m का आधा रखूंगा तो ऑब्वियसली ये आधे की संख्या आएगा। बात समझ में आता है? पहले m रखा था, तो मैं मान लेता हूं पहले जब m/2 रखा तो आधा की संख्या आ गया यहां तक। कहां तक की संख्या आया? यहां तक। समझ में आता है? जब मैंने m/2 रखा तो यहां तक किसक क्या आया, और यहां से यहां तक का वॉल्यूम मैं क्या बोल देता हूं? बी आई। इंटरमीडिएट पे किसक क्या? इंटरमीडिएट मतलब बीच पर आ, बीच में आ गया। क्लियर हो गया? फिर अगर m/2 और रख दोगे तो वो नीचे आ जाएगा। अकल है कि दिमाग को रखना हो गए तुम्हारे पास? तो पहले m/2 रखा तो इंटरमीडिएट स्टेट पर आ गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया? बी आई। फिर तुमने m/2 और रख दिया इसके ऊपर, मतलब डबल m/2, ये m/2 तो पहले से ही था, तुमने इसके ऊपर एक m/2 और रख दिया, तो फिर और नीचे किसक क्या आ गया? दिमाग चल रहा है तो करवा रहा हूं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट स्टेप में तुमने जब इस पे सिर्फ m/2 रखा था, तो इस पे अब टोटल एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल कितना लग रहा है? उसको मैं नाम दूंगा PI। क्या नाम दूंगा? PI। एक्सटर्नल प्रेशर चेक करना है तुम्हें। पहले एक्सटर्नल प्रेशर P1 के बराबर था, अकेला था जो एक्सटर्नल लग रहा था। अभी एक्सटर्नल प्रेशर P1 के तो बराबर है ही, जो तुमने m/2 रखा है वो भी जुड़ेगा उसके साथ, तो PI किसके बराबर हुआ? P1 प्लस m/2 साथ में g और एरिया ऑफ द पिस्टन। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? तो ओवरऑल ये एक्सटर्नल प्रेशर है PI। क्लियर हो गया? और ऑब्वियसली PI जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा? P1 से होगा। पहले सिर्फ P1 लग रहा था, अब PI लग रहा है, और PI इन दोनों के समेशन के बराबर है, और P1 से बड़ा है।
और जैसे ही पीआई तुमने लगा दिया उस टाइम पे पिस्टन खिसक गया, और पिस्टन खिसक के कहां चला गया, पहले वो किस पर था, V1 पर, V1 से कहां चला गया, VI पर, और ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन VI, समझ में आ गया। पहले तुम्हारा प्रेशर था P1, P1 से तुमने प्रेशर बढ़ा के कितना कर दिया PI, तो PI ग्रेटर देन P1। पहले तुम्हारा वॉल्यूम था V1, V1 से वो घट के कितना हो गया VI, V1 इज ग्रेटर देन V1, VI, V1 इज ग्रेटर देन VI, सबको समझ में आ गया। तो इस टाइम पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी W1 बोल देता हूं, समझ में आ गया, ये WI बोल दो, पहला वर्क इंटरमीडिएट तक जाने के लिए WI, वो कितना होगा, सबसे पहले तो अब तुमने प्रेशर लगाया कितना है PI के बराबर, सबको समझ में आ गया। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और साथ में डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, तो तुमने पीआई लगाया था प्रेशर, और अब वॉल्यूम कहां से कहां हो गया, पहले कितना था V1, तो कितना हो गया VI, तो क्या होगा VI माइनस, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, तो ये हमारा वर्क डन हुआ, सबको समझ में आ गया। अब इसको मैं ग्राफ के साथ ये बना बना के दिखाता हूं एक साथ, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगेन यहां पर क्या लिया प्रेशर, यहां क्या लिया वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम कितना था उसका V1, V1 से वो कितना हो गया VI, जाना कहां तक है V2 तक, समझ में आता है, V1 था, V1 से VI हो गया, जाना कहां तक है V2 तक, वो बात बात की बात है V2 तक जाना है। अच्छा पहले प्रेशर कितना था P1 तो बहुत कम था, ये रहा P1, P1 से कितना हो गया प्रेशर VI, और बढ़ा के कहां तक लेके जाऊंगा V2 तक, सबको समझ में आ गया। अभी तुम लोग एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिससे ये वर्क डन निकल गया है, तो ये वर्क डन कैसे आएगा, एक तो PI दे रखा है, तो PI कहां है और वॉल्यूम कहां है VI से V1, तो ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान से देखो, ये रहा PI, ये देखो पॉइंट, यहां से यहां तक, और यहां, सबको समझ में आ गया। पहले कहां था जरा ध्यान से देखो, P1, और वॉल्यूम कितना था V1, तो ये रहा P1, ये रहा V1, ये वाले पॉइंट पर था, सबको नजर आता है। बाद में कहां चला गया, बाद में प्रेशर हो गया PI, और वॉल्यूम कितना हो गया VI, तो ये रहा ना बेटा ये वाला पॉइंट, ये VI और ये PI, ये उसका पॉइंट नंबर 2 हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। और मैं को उसको रिप्रेजेंट करने का वर्क बताओ, तो मैंने कहा था आपसे कि ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये आपके पास क्या हो गया ग्राफ हो गया। अब अगर सिर्फ इस ग्राफ को देखें और वर्क डन निकालना हो तो यही है, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक m/2 और रख देता हूं, अब एक m/2 और रख दिया, तो सेकंड स्टेप p एक्सटर्नल कितना हो गया, पहले से pi तो था ही, अब उसमें क्या हुआ m/2 और ऐड हो गया, साथ में लगा दिया ग्रेविटेशन और साथ में एरिया, क्लियर हो गया। और इस प्रेशर को मैं बोल देता हूं p2, और मुझे पता है कि p2 क्या होगा, ग्रेटर देन pi, समझ में आता है। पहले वॉल्यूम कितना था VI, इस पोजीशन पे VI था, जैसे मैंने m/2 और रख दिया तो कितने पर चला गया V2, और मुझे पता है V2 VI जो होगा वो V2 से ज्यादा बड़ा होगा, सबको समझ में आ गया। और इस टाइम पे अगर मैं वर्क डन लिखूं, वर्क डन दैट इज माइनस ऑफ, अब फाइनल प्रेशर कितना है P2 के बराबर, तो माइनस ऑफ P2, वॉल्यूम में कहां से कहां चला गया, इनिशियल वॉल्यूम कितना था VI, फाइनल कितना था V2, तो लिख दो V2 माइनस VI, सबको समझ में आ गया। तो हमें ये अब इसको रिप्रेजेंट करना है उसके अंदर, अब इसका ग्राफ बनाना है, ये वर्क कौन सा हो गया फाइनल वर्क, ये VI था, ये V2, WI था, ये W2 हो गया, W2 को भी रिप्रेजेंट करना है उस ग्राफ के अंदर। तो उस ग्राफ में ऐसा देखो, पहला पॉइंट क्या था, पहले वो कहां था जरा ध्यान से देखो, PI पे, ये रहा ना बेटा PI, फाइनली वो कहां पहुंच गया P2 और V2 पे, ये रहा V2, ये रहा P2, दिखाई दे रहा है, देख क्या, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। हमने पहले भी ये किया था, V1 से V2 पर आए थे, लेकिन एक ही स्टेप में आए थे, इस बार दो स्टेप में आए हैं। अब मैं कहता हूं कि अब ऐसा ग्राफ बनाओ जो इसको सेटिस्फाई करे, तो जरा ध्यान से देखो, V2 माइनस VI है बेटा, कैसे बनाओगे, यहां से यहां तक यू नीचे आ गया, बोलो समझ में आया क्या। अब मजेदार बात, इससे पहले जो तुमने ग्राफ बनाया था वो V1 से V2 ही था, लेकिन वो ग्राफ कैसा था याद करो, वो एक्सटेंडेड था, येलो से बना रहा हूं, याद करो ऐसा था पूरा, दिखाई देता है। पहले ग्राफ कैसा था, जब एक ही स्टेप में कर दिया था, तो वो ग्राफ यहां से शुरू हुआ था यहां तक था,
समझ में आ गया? अगर तुमने इसको दो स्टेप में किया तो ये एरिया गायब हो गया, समझ में आता है? दो स्टेप में करने पर ये जो येलो लाइन वाला एरिया है, ये वाला, ये एरिया गायब हो गया। सबको समझ में आ गया? जब एरिया कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम। बात समझ में आ गया? इस तरह से तुम जितने स्टेप बढ़ाते जाओगे उतना एरिया जो ग्राफ कर्व का एरिया वो कम होता जाएगा, जितना एरिया कम होता जाएगा उतना ही वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब क्या हो गया? जितने स्टेप्स बढ़ाते जाओगे उतना ही एरिया अंडर कर्व कम होता जाएगा, जितना एरिया अंडर कर्व कम होता जाएगा उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम। और स्टेप जब आप इनफाइनाइट कर दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वासी स्टेट प्रोसेस, क्वासी प्रोसेस बोलते हैं। और इसी को हम लोग इनफाइनाइट स्टेप पे ही जो हम प्रोसेस करते हैं उसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब उसको नॉट टू बी ट्रू क्यों बोलते हैं, क्वासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि धीरे धीरे आता है, हमें कभी धीरे धीरे आता हुआ दिखाई नहीं देगा। समझ में आता है? हम अगर यहाँ खड़े हो जाए, मिट्टी गिर रही है यहाँ से, खड़े हो जाए तो हमें नीचे आता दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम अगर घर पे चले जाएं, वो छोड़ के सुबह आएंगे तो ढक्कन नीचे मिलेगा। हम जब खड़े थे तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी नीचे हो गया, तो दैट इज नॉट टू बी ट्रू। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड क्वासी प्रोसेस। सबको समझ में आ गया? हो तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर हो गया सबको? दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप होते हैं, जितने स्टेप ज्यादा होंगे उतने एरिया अंडर कर्व क्या होगा? कम। और जितना एरिया अंडर कर्व कम होगा उतनी वर्क डन क्या होगा? कम। तो यहां से फाइनल स्टेटमेंट निकल के आ गई क्या, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क करते हो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क करते हो उससे बहुत ही कम होता है। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और अब इन पॉइंट्स को मिलाते जाओगे ना, जैसे इसी काम को तीन तीन हिस्सों में करो तो ग्राफ कैसा आएगा? ये यहां से यूं तीन बार, सॉरी यहां से यहां और यहां से यहां तीन बार। चार बार करोगे तो यहां से यहां, 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 चार बार। सबको समझ में आ गया? तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो फाइनली ग्राफ कैसा आएगा इन सब पॉइंट को मिलाओगे? अगर इनको इनफाइनाइट कर लिया तुमने तो सारे पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाओगे तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? तो ग्राफ जब ऐसा आया तो ये सारा एरिया गायब हो गया। क्लियर हो गया? ये सारा एरिया गायब हो गया, और एरिया कम हो तो वॉल्यूम कम हो गया। समझ में आ गया? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो ग्राफ आता है वैसा आता है, इसलिए तो आपकी लॉगरिथमिक की टर्म आती है उसमें, लोग की टर्म आती है ग्राफ ऐसा, लॉगरिथमिक ग्राफ आता है। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गया? तो एट द एंड स्टेटमेंट क्या निकल के आया? स्टेटमेंट लिखो फटाफट, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस दी वर्क डन इज ऑलवेज लेस then the work done in irreversible process। ये statement में बहुत देखने को मिलेगी, in irreversible process। समझ में आ गया? कई books में इसको यू भी लिखा है, क्या लिखा है कि the work done in reversible process is not equal to the work done in irreversible process। ये भी लिख लेना साथ में, ये the work done in reversible process is not equal to the work done in irreversible process। और irreversible process में जो तुम काम करते हो वो हमेशा क्या होता है? कम होता है as compared to irreversible process। सबको समझ में आता है? क्लियर हो गया? सेम ही काम किया लेकिन वर्क में अलग अलग हो, मतलब वॉल्यूम होता है डिक्रीज हुआ फिर भी वर्क डन अलग अलग हो। क्लियर हो गया? तो जैसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे एरिया अंडर द कर्व क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट लिख लिया सबने, ये वाला और वो ऊपर वाला लिख लिया। चलो यहां से अब आगे चलते हैं। चलो हो गया सबका।